नमस्कार, मेरा नाम है रक्त सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारियां दूंगा। ये कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, इस कंपनी के कितने आउटलेट्स हैं, ये कंपनी का रेवेन्यू क्या था, कंपनी जो है वो बैलेंस शीट पर कैसी परफॉर्म कर रही है, उससे सारी जुड़ी जानकारियां दूंगा। और अंत में इस वीडियो की सबसे खास बात, टेक्निकल जानकारियां दूंगा, कहां पर आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए, आपको कहां इसको बेचना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दूंगा, और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए और टारगेट्स मेरे आने वाले दिनों के लिए क्या हैं वो सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फूड फर्स्ट फॉर्मेट पे काम करती है। इसके जो आउटलेट्स हैं उनके जो मेन काम है वो है रिटेल फूड्स, अपैरल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, म्यूजिक एंड बुक्स। इट इज ओन्ड बाय, और इसके जो मालिक हैं वो है आरपी संजीव गोइंका ग्रुप से ये बिलोंग करती है। स्पेंसर ने पिछले मई में इन्होंने एक प्रीमियम रिटेल चेन नेचर बास्केट को गोदरेज ग्रुप से एक्वायर किया था, जो इसके लिए आने वाले एक दो साल में ब्रेक इवन देता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंपनी जो फाउंडेड हुई थी वो 1863 में फाउंड हुई थी, और इसको जो फाउंड करने वाले थे वो थे डूरांट्स एंड स्पेंसर, फाउंडेड बाय चार्ल्स डूरांट्स एंड जॉन विलियम स्पेंसर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर इसकी सबसे मेन बात जो है वो इस कंपनी का जो नंबर ऑफ लोकेशन जो है वो 120 अक्रॉस 35 सिटीज में। और अगर मैं इसके पिछले जून के अगर बताऊं तो इसके पास अभी 160 आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो 5000 हैं, और ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ये कंपनी जो है स्पेंसर बिगेन ऑपरेशन एज अ रिटेल चेन, और इसका जो शुरुआत हुआ था काम करने का वो 1990 में हुआ था इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में इसने काम करना शुरू किया था। और ये स्टोर जो है लार्जली इसके दो तरह के स्टोर्स होते हैं, एक होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स कॉल्ड स्पेंसर, और दूसरा जो होता है वो होता है हाइपर मार्केट कॉल्ड स्पेंसर हाइपर। और 2006 से 2009 में ये कंपनी जो थी वो ब्रांडेड, इसके पास 2006 से 2009 में 300 स्टोर्स हुआ करते थे। और इन 2018 स्पेंसर ओपन अ लार्ज स्टोर इन इंडिया इन एन ईस्टर्न इंडियन मेट्रोपोलिस ऑफ कोलकाता, और फिर 2008 में इन्होंने कोलकाता में जो है अपना जो फ्रेंचाइजी है वो क्या की विस्तार करना शुरू किया। द स्टोर हैज स्प्रेड, स्टोर के पास जो था वो 72,000 स्प्रेड फीड एंड हैज इन लोकेटेड इन द फेमस साउथ सिटी मॉल, और ये जो थी वो साउथ सिटी मॉल में इसने 72,000 स्क्वायर फीट की एरिया में चालू किया था। ड्यूरिंग 2019 से 2016 तक इट अंडरवेंट कंसोलिडेशन एंड शटिंग डाउन नॉन परफॉर्मिंग स्टोर्स एंड द कंपनी अचीव ब्रेक इवन एंड एबिटा लेवल्स बाय द 2016, और उसको ब्रेक इवन मिला था। It undergoes consolidation and shutting down the non-performing stores and that a company. The recent strategy has been that the profitable growth in chosen geography. और जो geography उन्होंने choose की है वहाँ पे उनको profit करना है। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो company है इसको मैंने क्यों चुना है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये company को मैंने ये इसलिए चुना है क्योंकि इस company का जो अभी इसने जो पिछले जून तक इसके पास 160 स्टोर है, और डी मार्ट के जो है पूरे इंडिया में जो डीमार्ट के हैं वो 200 से स्टोर से थोड़े से ज्यादा हैं। अगर मैं स्टोर ऑन स्टोर बेसिस देखूं तो कंपनी जो है अगर मैं स्टोर ऑन स्टोर बेसिस करूं तो स्टोर काउंट्स में दोनों कंपनियां जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बस ये कंपनी जो है इसका जो ब्रेक इवन जो है वो अभी नहीं आया है, और पिछले साल ये कंपनी प्रॉफिट में थी, इस साल फिर से नुकसान में आई हुई है। और इसके जो की पीपल है वो है शाश्वत गोइंका, सेक्टर हेड रिटेल है, देवेंद्र चावड़ा एमडी एंड सीईओ है, तन्मय कुमार सीएफओ हैं, राहुल नायक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशनल हैं, नरेश कुमार पुरीति पति वीपी ह्यूमन रिसोर्स हैं। और ये जो कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है, और इसका जो एक्सपांशन है रिटेल चेन एक्सपांशन की बात करो तो ये कंपनी जो है वो फूड वर्ल्ड हैज़ बीन बॉट ओवर बाय द आरपीजी ग्रुप। अब जो फूड वर्ल्ड जो है वो आरपीजी ग्रुप ने खरीदा है। ऑल स्टोर हैज़ बीन रीब्रांडेड अंडर द स्पेंसर बैनर वंस फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, और पूरी तरह से इसको जो है वो रीब्रांडिंग करेंगे फूड वर्ल्ड को, और इसको इसी रिटेल स्पेंसर्स के अंदर
ले आएंगे जब पूरी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये कंपनी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप, क्योंकि ये अभी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, और प्रॉफिट नहीं करने की वजह से ये कंपनी जो है इसका जो शेयर है बहुत चीप रेट पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने पहले देखा है कि जो रिटेल है, कि जो भी रिटेल शेयर्स होते हैं वो काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं जैसे ही वो प्रॉफिट में आते हैं। अगर ये कंपनी 6 से 18 महीने में अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर पाती है तो आने वाले समय में ये शेयर एक बहुत बढ़िया वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आरपीजी ग्रुप से आती है, और इसीलिए ये मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है ये भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकती है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कंपनी जो है इसका जो लो था वो 53 का था, और यहाँ पर 53 के पास ये जो शेयर था वो काफ़ी चीप था ऑन सेल्स बेसिस पर, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और इस शेयर को अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको बोलूँगा हर 10% की गिरावट में आप इस शेयर को 5 पार्ट में खरीदें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ से अगर 10% गिरता है तो आप 20 शेयर खरीदें, फिर 10% गिरता है तो फिर 20 शेयर खरीदें, और ऐसे ही नीचे में एक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि अगर आपने इसे नीचे में एक्यूमुलेट किया तो आने वाले समय में ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड कंपनी है और इंडिया से जुड़ी कंपनी है। इसकी वजह से ये कंपनी पे ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, और सबसे जल्दी अगर किसी भी शेयर में अगर टर्न अराउंड होगा तो उनमें से सबसे पहला जो शेयर होगा वो रिटेल सेक्टर्स के शेयर होंगे, एफएमसीजी सेक्टर्स के शेयर होंगे। इसका जो प्रेजेंस है वो हर जगह बहुत अच्छा है, इसकी वजह से ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ और आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा हूँ कि आपको इस शेयर को हर गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इसके कंपनी के की फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कह रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो की फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मैं इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 91.25। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 725.975 का है। बुक वैल्यू जो है वो 75 की है, जो काफ़ी चीप मानी जाएगी। पर इस कंपनी का सबसे ख़राब चीज़ जो है वो है इसका लॉस में होना। पर मुझे भरोसा है कि आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी टर्न अराउंड होगी, और ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी। इसीलिए मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि ज़रूर इस शेयर को ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ज़रूर खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। और अगर इसकी प्राइस टू बुक की वैल्यू को देखूँ तो इसका 1.22 है, और इसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 है। डिलीवरी जो थी वो फ्राइडे की 25.90 थी। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक चीज़ है इस कंपनी ने जो है दिसंबर 2019 में जो सेल्स किया था वो किया था 699.78, और नुकसान था 39.50 ऑन कंसोलिडेट बेसिस पर इस कंपनी का जो नुकसान था। और यही पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 573.49 और 11.11 करोड़ का नुकसान था। तो जो कंपनी का जो नुकसान है वो थोड़ा सा बढ़ा है, पर मैं इस कंपनी पे काफ़ी बुलिश हूँ, और ये कंपनी आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा कर सकती है। और एक और चीज़ मैं जो इसकी बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 54.7 है, जो जून क्वार्टर से सितंबर में जो है वो कम से कम उन्होंने 0.5% बढ़ाई है। और अगर मैं FII की बात करूँ तो FII ने जो है वो अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, पर जो DII है उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। और इसमें जो है अदर्स मतलब कि जो रिटेल्स हैं उनके जो उनका जो वो है उनका जो शेयर है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जिन लोगों ने खरीदा था उन्होंने DII ने उन्होंने थोड़ी सी अपनी सेलिंग जो है इस शेयर में की है, क्योंकि ये शेयर सीधे 200 से करेक्ट होते होते ये 53 तक आया। तो इसीलिए ये शेयर जो है करेक्शन की वजह से DII ने अपने जो है हिस्सेदारी इसमें घटाई है, और इसीलिए ये शेयर जो है अभी 6 महीने 1 साल के लिए जो है इसकी वैल्यूएशन आती हुई इसकी रियल वैल्यूएशन 6 महीने से 1 साल में आती हुई नहीं दिखाई देगी। पर इस शेयर में जो 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल रहता है, तो आने वाले समय में ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा अच्छा
रिटर्न मार्केट से दे सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस शेयर में भी बने रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस शेयर से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी दूंगा, तो चलिए इस शेयर से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी को भी जान। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कंपनी पे स्टॉप लॉस लगाना है और अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको इसमें जो है 75 तक का स्टॉप लॉस, 75 से 77 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। याद रखिएगा, 75 से 77 तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये दो रेंज 75 तोड़ता है, तो ये सीधे सीधे 64 आएगा, ये लेवल आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये शेयर 61 आएगा, उसके बाद 53 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये वो जोन होंगे जहां पर आपको एग्रेसिवली एक्यूमुलेट करना है। मुझे लगता है कि ये शेयर जो है अगर नीचे आता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी हर इंसान के लिए जो शेयर मार्केट में निवेशित है। क्योंकि ये शेयर अगर आने वाले 1-2 साल में ब्रेक इवन देता है, तो ये शेयर जो है प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और एक और चीज जो मेरे को इस शेयर में बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो है जिस हिसाब से इसमें राधा कृष्ण दमानी ने हिस्सेदारी खरीदी है, और ये चीज मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। इसीलिए इस शेयर पे मैं आने वाले 5 साल 10 साल के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इसलिए मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट करें, और जो जो पोजीशन बताई है वहां पर आप रखें। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 77 से 75 के बीच का, और ये जो लेवल है 64 और 60, यहाँ आपको ये आता हुआ दिखाई देगा। और वो तोड़ेगा तो 53 जो इसका लो था वहां आता हुआ दिखाई देगा। और ये समय होगा आपको इस शेयर को जरूर खरीदना है, और आपको बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं उन्हें उन्हीं को ये कहना चाहूंगा जो इस शेयर में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। और अगर ये इसका जो शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 82 का। 82 टूटेगा तो आपको ध्यान से 77 और 75 का ध्यान रखना है। और अगर ये नहीं तोड़ता है, तो आने वाले समय में ये शेयर 100, 107, 111, 129, 155 तक के टारगेट्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। ये शेयर जो है वो बहुत बढ़िया है, और मैंने रिटेल शेयर्स को देखा है मार्केट को बार बार आउट परफॉर्म करते हुए, इसीलिए हर गिरावट में आउट परफॉर्म करते हुए, क्योंकि एफएमसीजी शेयर्स और टेक्नोलॉजी शेयर्स हमेशा गिरावट में मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है जहां पर हमारी नज़र होनी चाहिए, और हमेशा एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट कोरोना वायरस से कुछ नहीं है। इनका कोई भी इम्पैक्ट कोरोना से ये जुड़े नहीं है, इसकी वजह से ये शेयर जो है आने वाले समय में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको स्पेंसर रिटेल से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ही स्टॉक से जुड़ी अलर्ट लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।